नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पीलीभीत के अमरिया कस्बे से 1 किलोमीटर दूरी पर सितारगंज की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई, जिसमें चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर पर बैठे 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मृतक चालक धर्मेंद्र निवासी सरकड़ा उत्तराखंड अपने लेबर साथियों के साथ अमरिया को आ रहा था। अमरिया कस्बे से पहले लाहौरगंज के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और बराबर वाली खाई में जाकर पलट गई। रोड पर चल रहे आसपास के राहगीरों ने फंसे लोगों को निकाला, जिसमें लेबर के 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं एक युवक विजय कुमार निवासी सरैनी तुरकुनिया थाना अमरिया, जो सवारी बनकर बैठा था, गंभीर रूप से घायल हो गया है। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर अमरिया पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना हुई है अमरिया हाईवे रोड पर, क्या मामला है पूरा? ये एक भट्टे वाला ट्रैक्टर था, वो स्पीड से आ रहा था, तो वो डिसप्लिन होने से कि उसकी वो ब्रेक एक दाब ली उसने, और जो कि साइड में रोड से बहुत गहरी जगह है उसमें जाकर घुस गया, जिसमें मौके पर ही एक आदमी की तो मौत हो गई है और 2 आदमी जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। एक ज़्यादा घायल है, एक थोड़ा सा कम घायल है, उसको अभी एम्बुलेंस में डालकर अमरिया हॉस्पिटल ले। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।